अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ब्लॉग जो है वो बकिंगम पैलेस का है और अभी हम ग्रीन पार्क ट्यूब स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। नियरेस्ट ट्यूब स्टेशन है ग्रीन पार्क और यहाँ से सिर्फ 6-7 मिनट्स की वॉक है बकिंगम पैलेस के लिए। हम पार्क में दाखिल हो गए और उससे सिर्फ थोड़ा आगे जाते ही बकिंगम पैलेस है। और बकिंगम पैलेस बेसिकली 1837 में बिल्ड हुआ और इसके बाद रीमॉडलिंग इसकी हुई अराउंड 1762 और उसके बाद 1776 में, जब उस ज़माने में इसकी कॉस्ट 73,000 पाउंड आई थी। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। पार्क के लोग यहाँ पे अगर वैसे देखें आप तो पिकनिक बनाने के लिए आते हैं बच्चों के साथ और बड़ा ज़बरदस्त एंजॉय करते हैं। और ये बड़ा ज़बरदस्त एक ने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है गार्ड्स, चेंजिंग गार्ड्स के लिए, जो अक्सर और बेशतर यहाँ पर सेरेमनी होते ही है। ये बकिंगम पैलेस का जो है मेन एंट्रेंस है और इसकी एक यहाँ से एंट्रेंस है, एक लेफ़्ट साइड से, और इसका बैक साइड से भी काफ़ी बड़ा पोर्शन है। और यहाँ अक्सर व पेशतर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और यहाँ गार्ड की एक मखसूस सेरेमनी भी होती है। आज तो फिर भी ज़रा सा रश कम है। ये हमने कहा ज़रा आपके लिए करीब से क्लिप लेते हैं। और ये मेन एंट्रेंस गेट की बकिंगम पैलेस और इसके साथ साथ विंडसर कैसल के डे ट्रिप होते हैं बेसिकली, और इसके डिफरेंट प्राइजेज़ होते हैं। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डाल दूँगा। बकिंगम पैलेस जो है ये वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल प्लेसेस यूके की कहलाती हैं और इसमें लोग इसका काफ़ी दूर दूर से टूर बुक कराते हैं और टूरिस्ट यहाँ पे बेतहाशा मौजूद होते हैं, भले विंटर हो, समर हो, किसी भी वेदर में। ये आपको पूरा बकिंगम पैलेस आपके लिए ये स्टेचू जो है ये विक्टोरिया मेमोरियल लंदन है, जो 1924 में बिल्ड हुआ था। मेरे पीछे आपको बकिंगम पैलेस नज़र आ रहा है और हम उधर से आने के बाद अगर हम सामने की तरफ जाते हैं जो है तो उधर से वेस्टमिंस्टर आ जाता है, जो पार्लियामेंट हाउस है। और यहाँ से अगर आप देखें तो चारों तरफ इसकी सराउंडिंग्स के अंदर बड़ी बड़ी जगहें हैं और सेंट्रल लंदन का मेन है ये वेस्टमिंस्टर का एरिया। और ग्रीन पार्क ट्यूब स्टेशन यहाँ से नियरेस्ट है। उसके अलावा जो वेस्टमिंस्टर है, पार्लियामेंट हाउस, और उससे आगे फिर लंदन आई का एरिया है पूरा। ये हमने कहा एक और आपको क्लिप दिखाएं विक्टोरिया मेमोरियल का, जो काफ़ी मशहूर है और बिल्कुल अगर आप देखें तो बकिंगम पैलेस के सामने है। ये एक व्यू है। बकिंगम पैलेस से जब हम निकले तो यहाँ पीछे स्ट्रीट से हम निकलते हुए टूवर्ड्स वेस्टमिंस्टर तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चर्च थी, तो हमने कहा आपके लिए क्लिप लेते हैं इसका। और हम वेस्टमिंस्टर की तरफ जा रहे हैं वॉक करते हुए। जो आपको सामने एक टावर नज़र आ रहा है ये वेस्टमिंस्टर का है। इस स्ट्रीट को पार्लियामेंट स्क्वायर कहते हैं, जो SW1 यानी इसका पोस्टकोड से है, SW1। और ये हम आगे आते हैं तो यहाँ एक रक्शे टाइप के चलते हैं, टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और जब हम क्लोज गए तो हमने एक और रक्शे वाले साहब से उनका जो चार्जेस थे जो उनके रक्शे के पास लगे हुए थे तो हमने वो क्लोज करके आपको हमने कहा दिखाते हैं। तो ये आप देखिए इनके चार्जेस हैं। यहाँ मेरे साथ साथ राइट हैंड पे जो था ये वेस्टमिंस्टर यानी पार्लियामेंट हाउस था, और लेफ्ट हैंड साइड पे ट्यूब स्टेशन है वेस्टमिंस्टर का, और साथ ही आपको लंदन आई भी नज़र आ रही है जो काफ़ी मशहूर लैंडमार्क है। तो हमने क्या यहाँ क्लोजिंग यहाँ की कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि ये देखें आपको रिवर नज़र आ रहा है, इसके साथ ही लेफ़्ट साइड पे लंदन आई का एरिया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।